नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वेस्टीज के न्यू बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगी। इस बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसलिए कोई लॉस नहीं होगा। कोई सेल्स टारगेट नहीं है। इसमें आपको सामान अपने घर के लिए खरीदना है, बेचना नहीं है। दोस्तों, लोग अपनी आमदनी के लिए या तो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। जॉब में आज तक कोई करोड़पति नहीं बना है और बिजनेस के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बिजनेस चल ही जाए, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जहां हम बिजनेस कर सकते हैं बिना पैसा लगाए। इसमें कोई लॉस नहीं होता, खाली टाइम का यूज करके कर सकते हैं, यानी आप इसे अपनी सेकेंड इनकम भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम हर महीने अपने घर के जरूरत का सामान जैसे चाय, टूथपेस्ट, सॉप, हेयर ऑयल, वॉशिंग पाउडर या कॉस्मेटिक वगैरह तो किसी न किसी पड़ोस की दुकान से खरीदते ही हैं। लेकिन क्या कभी किसी दुकानदार ने आपसे ये बोला कि आप मेरे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपको इस महीने का राशन आपको फ्री में दे दूंगा? या कभी किसी दुकान वाले ने आपसे ये बोला कि आप 1000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो मैं आपको 100 रुपये का सामान फ्री दे देता हूँ? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, कैसा रहेगा अगर आप यही डेली यूज का सामान किसी खास कंपनी का खरीदें और वो आपको ये सब फ्री ऑफर दे और साथ में आपके अकाउंट में 1000, 10000 या 1 लाख रुपए डाल दे, यानी आपको इनकम दे। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। एक कंपनी है, वो ऐसा करती है। इस सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट कहते हैं। दोस्तों, अभी तक हम जो सामान खरीदते रहे जिसमें हमें कोई आमदनी नहीं होती, वो ट्रेडिशनल सेल्स कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसी भी फैक्ट्री में जब कोई सामान 40 रुपए का बनता है तो वो मार्केट में दुकान तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री से निकला सामान C&F एजेंट से होते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर और फिर रिटेलर के पास जाता है और वहां से कस्टमर सामान खरीदता है, और इस तरह हर किसी का कमीशन जोड़ते हुए प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। और अगर कंपनी प्रोडक्ट का प्रचार करती है तो उसका भी दाम प्रोडक्ट में जुड़ जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में डायरेक्ट फैक्ट्री से निकला 40 रुपए का सामान जब कस्टमर तक 100 रुपए का पहुंचता है तो कंपनी के पास 60 रुपए एक्स्ट्रा आ जाते हैं, क्योंकि इसमें बिचौलिए नहीं होते और यही 60% पैसा कंपनी अपने ग्राहकों को वापस इनकम के रूप में रिटर्न कर देती है और इस तरह लोगों को इनकम होती है। दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है वेस्टीज, जो इस तरह लोगों को इनकम देती है। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है। 2019-20 में कंपनी का टर्नओवर 2400 करोड़ रहा है। वेस्टीज इंडिया के साथ साथ 8 और देशों में फैल चुकी है और MLM इंडस्ट्री में वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनी में वेस्टीज का 30वां स्थान है और यह एक लौती इंडियन कंपनी है जिसने ग्लोबल टॉप 100 लिस्ट में अपना स्थान पक्का किया है। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और हिमाचल प्रदेश के बद्दी में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। वेस्टीज से 5000 से ज़्यादा लोग 1 लाख से 1 करोड़ तक कमा रहे हैं। 6000 से ज़्यादा लोग वेस्टीज से कार ले चुके हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लग्जरी कार हैं जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW। 600 से ज़्यादा लोग वेस्टीज से शानदार घर ले चुके हैं। हर साल 2000-3000 लोग साल में 2 बार वेस्टीज से विदेश घूमने जाते हैं। वेस्टीज MCA में लिस्टेड है, फिक्की और फसाई से सर्टिफाइड है, हट्सा का सर्टिफिकेट मिला है, हलाल सर्टिफिकेट मिला है। कंपनी के MD गौतम बाली जी हैं और उनके साथ उनके 2 पार्टनर कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद जी हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो वेस्टीज हेल्थ केयर, हेल्थ फूड, पर्सनल केयर, होम केयर, ओरल केयर, वुमेन्स हाइजीन, एग्री प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है। साथ में सार्प का एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर भी है। वेस्टीज का बेस्टील से भी टाई अप है, जहां से आप अदर ब्रांड के सामान जैसे डाबर, अमूल, मदर डेरी, पेप्सी, राजधानी, गोल्डी मसाला, कैच मसाला आदि के प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप वेस्टीज के ग्राहक बनते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, वेस्टीज के हर 30
₹35 की खरीदारी पर आपको एक पॉइंट या एक पीबी बिजनेस बनता है। वेस्टीज को ज्वाइन करना फ्री है। ज्वाइन करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ज्वाइन करने पर आपको एक आईडी नंबर मिलता है और जब भी आप वेस्टीज से 30 पीबी का सामान खरीद लेते हैं तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, यानी वो कभी डिलीट नहीं होगी। आईडी एक्टिवेट होने के बाद जब भी आप दूसरी बार सामान खरीदते हैं तो देखिए आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। पहला, 10-20% सस्ता सामान मिलता है, यानी MRP से 10-20% सस्ता सामान मिलेगा। दूसरा, 5-11% कैशबैक मिलेगा। ये कमीशन कैसे बढ़ता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तीसरा, अगर आप 2-18 तारीख के बीच सामान खरीदते हैं तो आपको 10% अमाउंट का सामान फ्री मिलता है। ये फ्री सामान उस समय चल रही स्कीम के हिसाब से मिलेगा। चौथा, अगर आप 2-12 तारीख के बीच 100 पीवी यानी 3,000 से 3,500 रुपये का सामान खरीदते हैं तो देखिए आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। 100 पीवी का सामान खरीदने पर आपको ये सामान MRP से 10-20% डिस्काउंट पर मिलेगा, यानी करीब 700 रुपये की बचत। फिर आप अगर 5% कमीशन पर हैं तो आपको 90 रुपये कैशबैक मिलेगा और 300 रुपये का सामान फ्री मिलेगा। ये सब प्रॉफिट जोड़ दें तो ये 1,090 रुपये होता है। अब अगर आप 2-12 के बीच 100-100 पीवी या उससे ज़्यादा का सामान अगर 3 महीने और ख़रीदते हैं तो आपको हर महीने मिलने वाले बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको 5वें महीने 3,000 MRP या 2,500 DP का सामान फ्री मिलेगा। इस तरह आपको 50% का प्रॉफिट मिल जाता है, यानी हर सामान MRP से आधे रेट का पड़ता है। इसी तरह 60 पीवी की भी स्कीम है जिसमें आपको 1,250 रुपये DP या 1,500 MRP का सामान फ्री मिलता है। दोस्तों, इस तरह आप सिर्फ ग्राहक बनकर भी अपने घर खर्च को आधा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे बिजनेस के रूप में किया, यानी लोगों को बताना शुरू किया और उन्हें भी वेस्टीज का ग्राहक बनाया, तो आप वेस्टीज से 1,000, 10,000, 1,00,000 या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। साथ में आपको मिलेगा घूमने फिरने के लिए पैसा, कार खरीदने के लिए पैसा और मकान खरीदने के लिए भी पैसा। चलिए अब वेस्टीज के बिजनेस प्लान को जान लेते हैं। वेस्टीज में आपको 9 तरह की इनकम होती है। पहला है रिटेल प्रॉफिट 10-20%। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस 5-11%। तीसरा है ब्रांच डायरेक्टर बोनस 4%। चौथा है बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। पांचवा है LOB 16%। छठवा है ट्रेवल फंड 5%। सातवां है कार फंड 5%। आठवां है हाउस फंड 3%। नौवां है इलाइट क्लब फंड 2%। तो चलिए जान लेते हैं पहली इनकम के बारे में। दोस्तों, रिटेल प्रॉफिट 10-20%, यानी आपको हर सामान 10-20% सस्ता मिलेगा। यानी अगर कोई सामान का MRP 100 रुपये है तो वो आपको 80 या 90 रुपये का मिलेगा, और इस सस्ते रेट को हम DP कहते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस 5-11%। दोस्तों, आप जब भी वेस्टीज से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको हर 30-35 रुपये की खरीदारी पर एक PB बनता है। अगर आपका बिजनेस एक PB से 599 PB के बीच है तो आप 5% कमीशन के हकदार हैं। अगर आपका बिजनेस 600 PB से 2,399 PB के बीच है तो आप 8% कमीशन के हकदार हैं। अगर आप 2,400 PB से 5,499 PB के बीच हैं तो आप 10% कमीशन के हकदार हैं। अगर आपका बिजनेस 5,500 PB से ऊपर चला जाता है तो आप 11% कमीशन के हकदार होते हैं। चलिए परफॉर्मेंस बोनस को डिटेल में समझते हैं। मान लिया इस महीने आपने ज्वाइन किया और आपने 100 PB का सामान खरीदा और किसी को ज्वाइन नहीं कराया, तो महीने के लास्ट में आपका टोटल PB हुआ 100। अब जब कंपनी आपका परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करेगी तो वो पाएगी कि आपका टोटल PB 100 है और चार्ट के हिसाब से आप 5% कमीशन के हकदार हैं। ऐसे में आपकी खुद की खरीदारी के 100 PB का 5% कमीशन निकाला जाएगा और इसे रुपए में बदलने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और इस तरह 90 रुपये आपका कमीशन बनेगा। अगले महीने प्लान के नियम के हिसाब से मान लिया आपने 6 लोगों को ज्वाइन कराया और सभी ने 100-100 पीवी का सामान खरीदा और आपने भी 100 पीवी का सामान खरीदा, तो महीने के लास्ट में आपके डाउन में ज्वाइन सभी लोग चार्ट के हिसाब से 5% कमीशन पर होंगे और उनको उनका 5% कमीशन मिल जाएगा। और आपने इस महीने 100 पीवी का सामान खरीदा तो आपका इस महीने का पीवी पिछले महीने के पीवी में जुड़ जाएगा और आपके पूरी टीम का पीवी भी आपके में जुड़ेगा। इस तरह आपका टोटल पीवी होगा 800, यानी चार्ट के हिसाब से आप 8% कमीशन पर पहुंच जाएंगे। तो आपको इस महीने की खुद की खरीदारी के 100 पीवी का 8% कमीशन मिलेगा। इस तरह आपका कमीशन होगा 144 रुपए। और अब चेक करेंगे कि क्या आपको आपके डाउनलाइन से कमीशन मिलेगा। आपका कमीशन है 8% और आपके नीचे हर लाइन में पहले आदमी का जो कमीशन होता है उसको आपके कमीशन लेवल से घटा देते हैं। जो भी डिफरेंस आता है उतना ही कमीशन आपकी डाउनलाइन द्वारा जनरेट पीबी का आपको मिलता है। जैसे यहाँ आप 8% पर और आपकी डाउनलाइन की हर लाइन का पहला आदमी 5% पर है तो डिफरेंस हुआ 3%। अब आपको आपकी डाउनलाइन द्वारा जनरेट पीवी का 3% कमीशन मिलेगा, यानी हर लाइन में 3% का डिफरेंस आ रहा है तो हर लाइन से 3% कमीशन यानी 54x6=324 नीचे से कमीशन आएगा। इसी तरह हर आदमी अपनी टीम बनाता जाएगा और लोगों का जुड़ते क्रम में कमीशन बढ़ता जाएगा और एक दिन आपका टोटल पीवी 5500 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप पहुंच जाएंगे 11% कमीशन पर। दोस्तों, जो लोग 5% लेवल पर होते हैं वो लोग अगर एक महीने में अपनी टीम के साथ मिलकर 282 पीवी कर देते हैं तो उन्हें 8% कमीशन पर पहुंचा दिया जाता है। इसे कहते हैं फास्ट एट। और जब आप 11% पर पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको तीसरी इनकम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस देना स्टार्ट कर देती है। ये इनकम तब मिलता है जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर एक महीने में कम से कम 2001 पीवी का बिजनेस करते हैं और इस तरह आपको कंपनी के मंथली टर्नओवर के 4% हिस्से में से आपको हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। आप जिस महीने मिनिमम 2001 पीवी करेंगे उस महीने आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा और यहां आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाती है। यहां आपकी इनकम 4000 से 10000 तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 11% लेवल पर नहीं पहुंचे हैं और आपने किसी एक महीने में अपनी टीम के साथ मिलकर 4500 पीवी का बिजनेस किया तो आप फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाते हैं और यहां आपकी इनकम 7000 से 20000 तक या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, जिस तरह आप जुड़ते हुए क्रम में 11% पर पहुँचे और आपने मंथली 2001 पीवी से ज़्यादा का बिजनेस देना शुरू किया, उसी तरह आपको अपनी टीम से कुछ लोगों की मदद करके उन्हें भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना है। अब जैसे ही आपकी एक लाइन में कम से कम एक आदमी जुड़ते हुए क्रम में 11% पर पहुँचता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर मिनिमम 2001 पीवी का बिजनेस देना शुरू करता है, वो भी हो जाता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर और वो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पाना शुरू कर देता है। अब आपकी डायरेक्टर वाली लाइन को छोड़कर बाकी की साइड लाइन से अगर टोटल 1801 पीवी आ रहा है तो आप बन जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर और अब आपकी एक नई इनकम स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं ट्रैवल फंड। ये भी कंपनी के टर्नओवर के 5% हिस्से से सभी सिल्वर डायरेक्टर एंड एवप पोस्ट में बांटा जाता है। इस पैसे से आप देश विदेश घूमने जा सकते हैं। यहाँ आपकी इनकम 6000 से 15000 तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब दोस्तों, अगर आप सिल्वर डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट पर हैं और आपके डायरेक्टर वाली लाइन से कम 5625 पीवी का बिजनेस आने लगता है तो आपको एक नई इनकम स्टार्ट हो जाती है, उसे कहते हैं LOB। ये इनकम भी कंपनी के मंथली टर्नओवर के 16% हिस्से से उन लोगों में बांटी जाती है जो लोग LOB के हकदार होते हैं और ये इनकम जब स्टार्ट होती है तो लोगों के चेक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। वेस्टी से जो लोग लाखों की इनकम ले रहे हैं
वो इसी एलओबी का कमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। जब आपकी दो लाइन में कम से कम एक एक डायरेक्टर हो जाते हैं और साइड लाइन से अगर 1500 एक पीबी बिजनेस आ रहा है तो आप हो जाते हैं गोल डायरेक्टर और यहां आपकी इनकम 15,000 से 50,000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपकी तीन लाइन में कम से कम एक एक डायरेक्टर हो और साइड लाइन से 1000 एक पीबी बिजनेस आता है तो आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हैं और यहां आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाता है। ये भी कंपनी की मंथली टर्नओवर के 5% हिस्से से बांटी जाती है। ये इनकम मंथली 80,000 से ज़्यादा नहीं दी जाती। स्टार डायरेक्टर लेवल पर आपकी इनकम 40,000 से लेकर 1,00,000 तक या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस नई इनकम कार फंड से आप कार खरीद सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी चार लाइन में कम से कम एक एक डायरेक्टर हो और आपकी साइड लाइन से 500 एक पीवी बिजनेस आ रहा है तो आप डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। तो आपकी इनकम 50,000 से लेकर लाखों में जा सकती है। अगर आपकी छह लाइन्स में कम से कम एक एक डायरेक्टर हो तो आप हो जाते हैं क्राउन डायरेक्टर और यहां आपकी इनकम 1,00,000 से लेकर लाखों में हो सकती है और यहां आपको एक नई इनकम स्टार्ट होती है हाउस फंड 3%। इस इनकम से आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। ये इनकम महीना 1,00,000 से ज़्यादा नहीं मिलती। लास्ट इनकम है इलाइट क्लब बोनस। ये कंपनी के मंथली टर्नओवर के 2% हिस्से से बांटी जाती है और ये सिर्फ डीसीडी और डीयूसीडी के लिए है और ये इनकम मंथली 20,00,000 से ज़्यादा नहीं दी जाती है। दोस्तों, ये तो थी वेस्टिज बिजनेस प्लान की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक बार प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। यदि आप वेस्टिज फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी दे सकते हैं। धन्यवाद।